नमस्कार, एंड टाइम्स के साथ मैं हूं निधि सिंह। भाद्र शुक्ल तृतीया को सौभाग्यवती महिलाओं ने अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए हरतालिका तीज व्रत कर पूजन किया। मंदिरों में महिलाओं ने सामूहिक पूजन कर सोमवार तड़के सुबह बहते पानी में पूजन सामग्री का विसर्जन किया। देर रात तक मंदिरों में पूजन होती रही। महिलाओं ने घरों पर भी सामूहिक पूजन किया। प्रथम पूज्य श्री गणेश घरों घर पधार गए हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गजानन जी की मंगल मूर्ति ले जाने का सिलसिला चल रहा है। पैलेस रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र लुनेरा, महापौर डॉक्टर सुनीता यारदे ने कार्यकर्ताओं के साथ मंगल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर आरती की। मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की स्थापना के लिए दोपहर बाद शहर में चल समारोह निकलने शुरू हो गए थे। राम मंदिर क्षेत्र मित्र निवास रोड से लगातार जुलूस निकलने से रास्ते जाम रहे। चिंताहरण गणपति मंदिर ट्रस्ट समिति पैलेस रोड द्वारा बृहद स्तर पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। प्राचीन चिंताहरण गणपति जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया था। यहां रात 8 बजे कलेक्टर रुचिका चौहान, महापौर डॉक्टर सुनीता यारदे की उपस्थिति में 11,111 लड्डुओं का भोग लगाकर 1,111 दीपों से महाआरती की जाएगी। प्रसिद्ध गायक पंडित गोपाल कृष्ण की भजन संध्या भी होगी। राजा राजवाड़ों के समय के इस प्राचीन मंदिर को आकर्षक सजावट के साथ रोशन किया गया। गाय गौ माता है, इसे पूजने और लालन पालन का अधिकार हर एक जाति और समाज को है। जानवर को रोटी देना हर एक शख्स की इंसानियत है। यह बात शहर में निवास करने वाले एक मुस्लिम परिवार ने साकार कर अपने ही समाज को एक संदेश देकर जागरूक किया है। यह है शक्ति नगर निवासी साबिर भाई, जो विगत 19-20 सालों से गौवंश को रोटी खिलाना कभी नहीं भूलते हैं। साबिर भाई जब शहर से कहीं बाहर जाते हैं तब उनका यह कर्म उनका परिवार निभाता है और गाय को रोटी खिलाने के बाद ही भोजन करता है। एन टाइम्स को साबिर भाई बताते हैं कि इस्लाम में कहीं भी जानवर को काटने मारने की सलाह नहीं दी है। जानवर को रोटी देना भी धर्म है। शायद साबिर भाई हर एक के लिए एक मिसाल है, जो हर एक शख्स समाज को संदेश देकर जागरूक कर रहे हैं। रिपोर्ट एन टाइम्स। कितने साल से आप गाय को रोटी दे रहे हैं? क्या मेरे 19-19 साल से दे रहा हूँ। गाँव में रोटी देता हूँ सुबह शाम के लिए।
किसने बताया आपको, क्यों देते, क्या उद्देश्य लेके देते? हम तो जानवर हो तो दूध देते, गाय देना पड़ता है, जानवर हो तो। ये सब आपकी गाय है क्या? नहीं नहीं, किसी की गाय नहीं, गाय जानवर है वो। हाँ। तो उसे देने को अच्छा काम, पूर्ण काम है तो देने क्या है। आप चूंकि हिंदू धर्म में तो गौ माता को, ये गाय को गौ माता माना है। हाँ। मुस्लिम धर्म में गाय को क्या मानते हैं आप लोग? गाय को भगवान का रूप ही है, वो भी तरह का है, वो दूध देती है, सबको पिलाती है, उसमें क्या अरज है? जानवर है वो तो, गाय को तो पहले बात तो देनी चाहिए, रोटी देना चाहिए, चारा डालना चाहिए उसको, उसमें क्या अरज है? आपका इस्लाम वगैरह सब ये मंजूरी देता है आपको? इस्लाम देता है जानवर को, इस्लाम मंजूर देता है, इस्लाम ये भी करता है, ऐसा नहीं क्या किसी जानवर को परेशान करो, मारा पीट करो उनको। गाय गाय को तो पहले विश्वास करो, गाय जाए माता देते हैं, हम देते हो दूसरे देव होते हम तो देते हैं गाय। कितने साल से दे रहे हो आप ये गाय को? ये तो 19 साल से दे रहे हैं शक्ति नगर में। हाँ। तो जब से रोटी डालते हैं सुबह शाम, एक रोटी दो दो तीन रोटी डालते हैं सुबह शाम, जानवर आते हैं। शहर में जर्जर हो रहे मकानों की नगर निगम कोई सूद नहीं ले रहा है, जिसे हादसे होने लगे हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम के स्वामित्व वाले मार्केट भी खतरनाक होकर हादसों की तरफ इंगित कर रहे हैं। उदासीन नगर निगम की बेरुखी के कारण न्यू रोड स्थित नगर निगम के मालिकन वाले मार्केट का धज्जा इतना कमजोर हो गया है कि हादसों का कारण बन गया है। रविवार देर शाम कुछ दुकानों के कमजोर टावर धराशाही होने के बाद निगम प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद खुली और निगम अमला सहित तहसीलदार मौके पर पहुंचे। रविवार अवकाश होने से दुकानों पर भीड़ नहीं थी, नहीं तो जनहानि हो सकती थी। धज्जा गिरने के बाद प्रशासन ने कमजोर धज्जों को गिरवा दिया। निगम के अन्य मार्केट भी कमजोर होकर खतरनाक हो गए हैं। तहसीलदार गोपाल सोनी ने बताया, न्यू रोड में जो दुकानें हैं इनके छज्जे बहुत कमजोर हो गए थे और लगातार बारिश के कारण कमजोर हो गए और आज 3-4 दुकानों के छज्जे गिरे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम पुलिस और राजस्व की टीम यहाँ आ गई है और जो भी बहुत डेंजरस स्ट्रक्चर बने हुए उसको हम अभी तत्काल तोड़वा दे रहे हैं और कल से सब दुकानदारों को हमने ताकीद कर दिया है कि वो इसको मजबूत बनाने की कार्रवाई करें। जियो के 60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर में आग लगने से सनसनी फैल गई। हादसा बाजना बस स्टैंड पर रविवार की शाम को हुआ। शाम 6 बजे मोबाइल टावर पर आग लगते देख नागरिकों की भीड़ जुट गई। करीब 5 से 10 मिनट तक टावर से धुआं उठता रहा। तभी एक व्यापारी नवीन सोनी ने निगम फायर स्टेशन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे निगम फायर कर्मियों ने टावर की ऊंचाई अधिक होने से लोरी के ऊपर चढ़कर आग पर काबू पाया। शहर के रहवासी क्षेत्रों में और व्यस्तम बाजारों में मोबाइल टावर लगने और देखरेख नहीं होने का नागरिक विरोध कर रहे हैं। देश की आर्थिक गणना कर योजनाएं बनाने के लिए भारत सरकार ने 7वीं आर्थिक गणना का काम शुरू किया है। सोमवार को एसपी गौरव तिवारी, कलेक्टर रुचिका चौहान की मौजूदगी में आर्थिक गणना के लिए तैयार किए गए ऐप का शुभारंभ किया गया। इस ऐप के माध्यम से टीम घरों घर जाकर आर्थिक गणना करेगी। योजना अधिकार बालकृष्ण पाटीदार ने मीडिया को बताया, हमारे पूरे देश में, मध्य प्रदेश में और हमारे जिले में आज से 7वीं आर्थिक गणना का काम प्रारंभ हो रहा है। हम लोगों ने ये पहले जो काम कराया था हमारे गवर्नमेंट के एडवाइस के माध्यम से कराया था, लेकिन इस बार शासन के जो निर्देश है उसमें हम कॉमन सर्विस सेंटर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट है उसके कॉमन सर्विस सेंटर के ये जो आप देख रहे हैं सारे इन्वर्टर्स हैं, इन लोगों के माध्यम से पूरा एक मोबाइल ऐप है, ऑनलाइन ही होगा, पूरा लाइव रहेगा, GPS से ट्रेस रहेगा पूरा, उसके माध्यम से अपने देश की जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको कैप्चर करने के लिए, हमारे देश में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती है उनका पता लगाने के लिए, किस प्रकार के टर्नओवर होता है दुकानों में, हर घर जा जाके जितने भी हैं डोर टू डोर जाके सर्वे किया जाएगा। इसलिए हम जनता से अपेक्षा करते हैं, उससे हमारा अनुरोध भी है कि इसमें आप जानकारी बिल्कुल बेझिझक बिना संदेह के आप अपनी पूरी पूरी सही सही जानकारी बता सकते हैं। इसमें जानकारी जो आपके द्वारा बताई जाएगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी जानकारी अगर किसी मान लीजिए किराना की दुकान है तो दुकान वाला अपनी जानकारी बताता है वो कितना टर्नओवर करता है, इसके आधार पे ये नहीं होगा कि उसने अपना एक्चुअल बताया तो कोई टैक्स लग जाएगा उसको, या ना कोई टैक्स लगना है उसको, कोई इंडस्ट्रियल मैन है उसने अपना कोई टर्नओवर हमको बताया वो कितना प्रॉफिट होता है इनको इनकम टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, ना किसी कोर्ट में इस जानकारी का यूज़ किया जा सकता है। ये सिर्फ है हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों की क्या स्थिति है ताकि हम फ्यूचर में इस प्रकार के प्लान बना सकें, इसको ध्यान में रखिए पूरा बनाया जाएगा।
इसलिए जरूरी है कि हम अगर सही प्लान बनाएंगे तो हमारा सही विकास होगा, सही योजना बना पाएंगे। स्मार्ट सिटी का सब्ज बाग सपना दिखाने वाले नगर निगम की लापरवाही से शहर की सड़कें जर्जर तो गड्ढे स्मार्ट बनते दिखते हैं। यह गड्ढे हादसों का प्रमुख कारण बने हैं। यह नजारा उकाला रोड का है, जहां बड़े बड़े गड्ढों में सड़क है तो इन गड्ढों में रोजमर्रा वाहन गिरते हैं। रविवार की रात एक ट्रक का पहिया गड्ढे का शिकार हो गया। गड्ढे में ट्रक का पहिया फंसने से नाराज नागरिकों ने निगम की उदासीनता पर आक्रोश जताकर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। इस उकाला रोड पर प्राचीन खड़े गणपति जी का मंदिर भी है, जहां भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन निगम इस क्षेत्र की जर्जर सड़क और गड्ढों से बेखबर होकर शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। क्षेत्रीय नागरिक बताते हैं कि यहां पे आए दिन रोज गाड़ियां फंसती है। अपन ने कितनी बार नगर पालिका वालों को जो है कि शिकायत कर दी है, यहां पे ना तो मोरम डल रही है ना तो रोड बन रही है। रोज जो है कि यहां पे दूसरे तीसरे दिन रोज गाड़ी फंस रही है। 3-4 बार हमारी गाड़ियां फंस चुकी है और आज हम दोपहर 2 बजे से ही जो इस गाड़ी के चक्कर में परेशान है। अभी तक हमारी गाड़ी निकल नहीं पाई है, ये नगर निगम वालों की लापरवाही की वजह से हो रहा है। और रोज जो है कि पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक सड़क ये खराब पड़ी है। वहाँ नाले का काम चालू है, वहाँ भी जो है कि रोड खराब है, ना तो वहाँ मोरम डल रहे हैं ना तो रोड बन रही है। प्रशासन की लापरवाही से जो है रोज जो है कोई ना कोई हादसा होता रहता है यहाँ पे। कोई रोड से परेशानी होती है क्या? दिक्कत है। क्या हो रही है? खड्डे कितने हो रहे हैं माता जी के पीछे? कब से है ये? कब से ये साल भर हो गया। नगर निगम वगैरह क्या कह रहे हैं? सबको बोल दिया, कोई नहीं सुनता। क्या बोलते हैं नगर निगम वाले? आते करते ही नहीं है, बुलडोजर भी नहीं फिला रहे यार। कब से परेशानी हो रही है ये? कब से ही, साल दो साल हो गए। गाड़ियाँ फंसते हैं, सिलसिला कब से चल रहा है? कब से ही है, छोड़ तो ऐसी सुन ही नहीं रहा है। गाड़ी कब से फंसी हुई है यार? अभी हुई शायद 2 बजे से। हाँ और क्या, छेड़ से छेड़ तक, चौराहे से चौराहे तक खराब है। आप क्या कहना चाहते हैं नगर निगम को? क्या बोले, इनको सुनते ही नहीं है क्या? के परेशान हो गए। लाइटें भी अभी देखो, गणपति के त्योहार इंदारा पर। कब से गई लाइटें? ये भी है, मैं तो पूछा करने गई थी। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? ये गणपति के पास ही। आपका नाम क्या है? प्रेमलता। ये जरा इनको रोडों पे ध्यान देना चाहिए। ये जो सीवरेज लाइन वाले आए, इन्होंने भी अपने रोडों खोद खोद के और पूरे अपने घर के आगे गड्ढे कर चुके हैं लोग। और आए दिन इस उकाला रोड पर जहाँ गणेश जी का मंदिर है, वहाँ हर बुधवार को काफ़ी भीड़ रहती है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और वहाँ पर कम से कम लोग 25 लोग रोज गिरते हैं। आए दिन रोज लोग 25 गिर रहे हैं, आए दिन गाड़ियाँ उलझती है। नगर निगम को यदि कोई शिकायत करता है, कोई शिकायत नहीं लेता है। पत्नी और सास के अवैध संबंधों से नाराज दामाद ने अपनी सास की हत्या कर दी। नाराज दामाद पत्नी की भी हत्या करना चाहता था। मामला बजरंग नगर का है, जहां 4 दिन पहले एक महिला की तलवार से हत्या कर दी थी। पुलिस को पीएम आवास में रहने वाली मृतिका शोभा डामर का शव और खून से सनी तलवार मिली थी। पुलिस ने हत्यारा आरोपी दामाद बबलू पिता कालू झोड़िया को हिरासत में लेकर अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम पर अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने बताया, मृतिका शोभा के पहले पति भरत डामर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वर्ष 2017 से शोभा दूसरे पति गोपाल पाटीदार निवासी भेसोला चौपाटी के साथ रहने लगी थी। पुत्र के जन्म के बाद विवाद होने पर दूसरा पति भी पत्नी शोभा को छोड़कर चला गया था। शोभा अपनी 3 बेटियों तथा पुत्र के साथ बजरंग नगर में रहती थी। उसने बेटी अंजू का विवाह भी बबलू से कर दिया था, लेकिन दामाद के साथ नहीं भेजती थी, जिससे दामाद नाराज रहता था। अपनी पत्नी अंजू और सास शोभा के क्षेत्र में अवैध संबंध होने से दामाद पत्नी और सास की हत्या करना चाहता था। उसने सो रही सास पर तलवार से हमला किया तो पहले ही वार में सास उठकर खड़ी हो गई थी, जिससे बबलू घबरा कर भाग गया था। एसपी गौरव तिवारी ने बताया, आरोपी जिसने शोभा डामर की हत्या की, वो इसका दामाद ही है बबलू।
इसने धारदार हथियार अपने साथ लाकर रात्रि में सास का गला काट के हत्या की। इसमें मुख्य वजह ये बता रहा है कि जो इसकी सास है वो एक तो इसकी पत्नी को की विदाई नहीं कर रही थी, और दूसरा कि ये इसको बार बार ये सूचना मिलती थी कि इसकी सास के कई लोगों से अवैध संबंध है। साथ ही साथ इसकी पत्नी जो है वो भी सास के कहने पर इस तरह की गलत गतिविधियों में शामिल है, जिसके कारण ये उस घटना दिनांक को अपने साथ में लाए तलवार से इसके गले पर हमला करके मृत्यु की, और उसके बाद फिर वहाँ से ये फरार हो गया। रात में ये नकाब लगाकर घर में प्रवेश किया था ताकि कोई पहचान न पाए, चूँकि एक ही कमरे में ये मृतिका और इसके बाद बच्चे साथ में ही सो रहे थे। तलवार से हत्या का हमला करने के बाद ये पीछे के रास्ते से भाग गया, लेकिन घटनास्थल में कई सारे साक्ष्य मिले और सबसे बड़ा क्लू साइबर के माध्यम से मिला कि जो मृतिका है उसका मोबाइल घटनास्थल से मिसिंग था, लेकिन एट द सेम टाइम जो मोबाइल नंबर मिला उसकी डिटेल निकालने पर ये पता चला कि रात को 12:30 बजे के आसपास किसी व्यक्ति ने मैसेज किया है और फिर उससे बात हुई है। उसका डिटेल निकालते वो कोई और नहीं, ये जो संदेही शुरू में था बबलू आरोपी जो बना भी इसी का नंबर था। ये घटना को खारिज करने के बाद यहाँ से फरार हो गया था। बाद में फिर ये फैमिली मेम्बर्स होने के नाते इस तरह विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो गया था, लेकिन जब डिटेल आ गई या फिर उससे पूछताछ की गई तो उसने घटना को स्वीकारा।